पता नहीं यार कहाँ रह गई है पूजा। मैंने ना इसको बोला था कि तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है तो थोड़ा जल्दी आ जाना, पर नहीं, हर बात पे बहाने बनवा लो इनसे। अरे तो यार क्या हो गया, सच्ची बोल रही होगी, पर वैसे भी अपने बच्चे के बीमार होने का झूठा बहाना थोड़ी ना बनाएगी। यार दीपांशु, ये काम वालियों के बारे में तुम्हें नहीं पता, हम औरतों को ही पता होता है, सारी की सारी काम वाली ना एक नंबर की कामचोर होती है, और ये पूजा भी ऐसी ही है। एक सेकंड, इतना तो काम करती है, सारा दिन मेहनत करती रहती है, कामचोर कहां से नजर आई तुम्हें? और वैसे भी गलती तुम्हारी है रिया, तुमने उसको टाइम से पहले बुलाया। अच्छा तुम कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हो उसकी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं गुड़िया को स्कूल भेजूं कि नहीं भेजूं, इतना सारा काम फैला हुआ है यार। अरे तो क्या हो गया यार, एक दिन गुड़िया का सारा काम तुम देख लो, वैसे भी डेली वही करती है ना। कोई एहसान नहीं करती हम पे, 8,000 रुपए लेती है हर महीने ये सारा काम करने के। अब ये तुम क्यों कर रहे हो? अरे मैं अपना सामान अपनी जगह पे रख दूंगा खुद उठाकर, तो कोई पार्ट टूट जाएगा? एक काम करो ना, घर का सारा काम तुम ही कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन, वो महारानी आएगी और घूम फिर के इंस्पेक्शन करके चली जाएगी। लगता है मैडम आ गई हैं, इसको तो आज मैं बताती हूँ। सुनो उसको कुछ ज्यादा मत बोलना यार। नमस्ते दीदी। आ गई तू? तू मुझे एक बात बता, अगर तुझे लेट ही आना होता है तो तू जल्दी आने के लिए हाँ क्यों करती है? तेरी वजह से सुबह से मेरे घर में कलेश मचा हुआ है। अब दीदी क्या बताएं, हमारे बच्चे चिंटू की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम आने की जल्दी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको संभालने के चक्कर में लेट हो गए। जब देखो बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे, तेरे को मैंने बोला था ना तेरे भैया को जल्दी ऑफिस जाना है, तो तू टाइम से क्यों नहीं आई? अब नाश्ता कौन बनाएगा उनका? दीदी आप फिक्र मत कीजिए, हम तुरंत ही नाश्ता बना देंगे। तो खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही है, जाके नाश्ता बना। जी भैया जी। नमस्ते। नमस्ते पूजा। भैया जी माफ करना, हम थोड़ा लेट हो गए, आप ले जल्दी से नाश्ता तैयार कर देते हैं। अरे नहीं नहीं मत बनाओ, मैं बाहर से खा लूंगा। पागल हो गए हो क्या तुम? बाहर से क्यों खाओगे, खाली पेट जाओगे घर से। और तू खड़े होके बातें क्या कर रही है, जाके नाश्ता बना। जी रिया क्यों डांटती रहती हो यार, खा लेता ना मैं बाहर से, वो कोई और काम कर लेती। दीपांशु तुम्हें उसको इतना सर पे चढ़ाया हुआ है, अगर तुम उसका इतना फेवर ना लो ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो वो इतने नखरे दिखाए, वो भी हमें। पूजा कितना टाइम लगेगा नाश्ते में, थोड़ा जल्दी हाथ चला ले। हाँ जी दीदी बस लाई। भैया जी आपका नाश्ता। दीदी आप क्रीम लगा दूं? नहीं मैं देख लूंगी अपने आप, तू जाके गुड़िया को तैयार कर दे। जी पूजा तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? क्या बताऊं भैया, पूरी रात उल्टियां करता रहा वो, दवाई दिए तो थोड़ा ठीक हुआ है, अभी आराम कर रहा है। कुछ खिला दिया होगा उल्टा सीधा तूने? नहीं नहीं दीदी हम उसे बाहर का कुछ भी नहीं खिलाते, अपने हाथ का ही खाना खिलाते हैं, वो बस कल जो आपने केक दिया था ना उसके खाने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। सुन लिया, कोई गुण एहसान तो है नहीं कि हमने उसे केक दिया है, हम उसे खाना देते हैं, ऊपर से मेरे को बोल रही है कि मैंने इसके बेटे को बीमार कर दिया है। नहीं दीदी हमारा वो मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हो, हम तो बस बता रहे हैं कि वो केक खाकर। कोई बात नहीं पूजा, तुम गुड़िया को तैयार कर दो। जी देख लिया तुमने नतीजा उसको ज्यादा सर पे चढ़ाने का, आज नौबत ये आ गई है कि वो मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके बेटे को बीमार किया है। अरे उसे तो थैंकफुल होना चाहिए, हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम उन्हें खाने के लिए इतनी सारी चीजें देते हैं, केक देते हैं, स्वीट्स देते हैं, और ऊपर से उल्टा मुझे ही सुना रही है कि मैंने उसके बेटे को बीमार किया है। देखो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि तुम्हारी वजह से उसका बेटा बीमार हुआ, और अगर बोल भी देती ना तो कुछ गलत नहीं कहती। एक्सक्यूज मी दीपांशु, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो केक ना 14 दिन पहले हमारे घर में आया था, जिसको तुम फ्रिज में रख के भूल गई थी, और कल जब गुड़िया ने तुमसे वो केक मांगा तो तुमने उसको ये कहकर मना कर दिया कि वो खराब है, तबीयत खराब हो जाएगी,
और वही केक तुमने पूजा के बेटे के लिए भिजवा दिया। अरे यार, जो चीज तुम्हारे अपने बच्चे के लिए सही नहीं है वो किसी और के बच्चे के लिए सही कैसे हो सकती है? या तुम मानो या मत मानो, उसके बच्चे की तबीयत ना सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब हुई है। और तुम ही नहीं, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। अपने घर में कोई भी चीज खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उस चीज को उठाकर गरीब लोगों को दे देते हैं, अपने घर में काम करने वाले लोगों को दे देते हैं, और फिर क्या होता है, उनकी तबीयत खराब होती है। और सोचो, अगर पूजा के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती, उसको कुछ हो जाता, तो फिर उसकी भरपाई कौन करता? तुम करती क्या? दीपांशु, तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती है कि उसका बेटा बीमार हो गया। वो केक अगर मैं अपने बच्चे को नहीं खाने दे रही थी तो मैं कैसे किसी और के बच्चे को खिला सकती हूँ? पूजा भी एक माँ ही है, उसे भी उतना ही बुरा लग रहा होगा जितना कि मुझे लगता है जब हमारी गुड़िया बीमार हो जाती है। मेरी गलती है। दीदी, गुड़िया को तैयार कर दिया है, उसके टिफिन में क्या बनाए? कुछ नहीं पूजा, वो मैं देख लूंगी। तू घर चली जा और अपने बेटे का ध्यान रख, और जब तक वो ठीक ना हो जाए ना, काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। पर दीदी, परवर कुछ नहीं, बोल दिया ना जा, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। ठीक है दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते भैया।